राजधानी शिमला के रिज मैदान पर स्थित ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा ईस्टर संडे बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। क्राइस्ट चर्च के पादरी सोहन लाल ने बताया कि आज के ही दिन प्रभु ईसा मसीह पुनः जीवित हुए थे और अपने शिष्यों को दर्शन दिए थे और इस दिन को ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा खुशी के साथ मनाया जाता है। ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार गुड फ्राइडे के दिन ही रोमन अत्याचारियों ने ईसाइयों के प्रभु ईसा मसीह पर बहुत सी यातनाएं करने के बाद उन्हें सूली पर लटका दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। लेकिन 3 दिन बाद ईस्टर के दिन ही चमत्कारिक रूप से प्रभु ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए थे। यही वजह है कि गुड फ्राइडे के ठीक 3 दिन बाद ईसाई धर्म के लोग प्रभु ईसा मसीह के दोबारा जीवित होने की खुशी में ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं। इस दिन ईसाई लोग प्रभु ईसा मसीह को याद करते हैं। प्रभु ईसा मसीह गुड फ्राइडे के दिन, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था यानी शुक्रवार के दिन, और वो मारा गया था और उसके बाद उसे कब्र में रखा गया, गाड़ा गया था, और आज के दिन वो सुबह सवेरे ही जी उठा था। जैसे उन्होंने पहले ही आपने मरने से पहले कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और आज के दिन वो जी उठा था। और जब आज के दिन वो चेले और कुछ लोग वहां पर उसे देखने के लिए गए, और जी उठने के बाद उन्होंने मरियम को दर्शन दिए और चेलों को, 11 चेलों को दर्शन दिए, और 40 दिन तक उस पृथ्वी पर जीवित रहे और लोगों ने उन्हें देखा, उनके साथ तो रहे, और 40 दिन के बाद वो जीवित बादलों पर उठा लिए गए। और आज का दिन सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बड़ा, बल्कि पूरे मनुष्य जाति के लिए बड़े आनंद और खुशी का दिन है कि जो पाप के कारण मौत इस संसार में आई थी, और हर मनुष्य उस मौत से बचना चाहता है, डरता है, और वो हर एक जीवन के लिए तलाश में है, और प्रभु यीशु मसीह ने वो कर दिखाया कि उसने मृत्यु को हराकर जीवन में प्रवेश किया, और हर एक मनुष्य को वो ऑफर करता है कि जो उस पर विश्वास करता है वो भी उस जीवन में प्रवेश करेगा और परमेश्वरी राज्य स्वर्ग में उसे जगह मिलेगी।